हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बीएल चौधरी, टीम बोटनी सीएलसी सीकर। आज मेरे साथ हैं अभिषेक मिश्रा सर, टीम केमिस्ट्री सीएलसी सीकर। आप सभी विद्यार्थियों का सीएलसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सीएलसी का ब्रह्मास्त्र, सीएलसी के एक यूनिक अप्रोच, सीएलसी टेस्ट सीरीज का पहला पड़ाव, फर्स्ट अटेम्प्ट जो है स्टार्ट हो चुका है विद्यार्थियों, और वह है मिड सेशन टेस्ट सीरीज। और आप समझ सकते हैं ये तीन जो स्टेप्स होते हैं सीएलसी के, मिड सेशन टेस्ट सीरीज, उसके बाद बायोकैम, उसके बाद दंगल, और इनके माध्यम से सीएलसी हर विद्यार्थी के अप्रोच को, हर विद्यार्थी के डाउट को क्लियर करती है और कॉन्सेप्ट बिल्डअप करती है, ताकि वो फाइनल एग्जाम के अंदर एक बेहतरीन सफलता को अर्जित करे, वो अपने सपनों को नई उड़ान दे सके और उसके दिल में जो जुनून है उसको वो जगा कर और अपनी सफलता को प्राप्त कर सके। सीएलसी मिड सेशन टेस्ट सीरीज के द्वारा नीट और जेई, आप समझ सकते हैं कि उत्तरी भारत का एकमात्र कोचिंग जो नीट और जेई में पैरेलल काम करता है और पैरेलल बेस्ट रिजल्ट तैयार करता है। नीट के अंदर, नीट 2025 में मिड सेशन के थ्रू 69 टेस्ट करवाएंगे, 9,360 क्वेश्चंस, और 31 जनवरी से पहले बच्चे का 3 बार रिवीजन। इसी प्रकार आईआईटी जेई 2025 के लिए 57 टेस्ट, 4,860 क्वेश्चंस, जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट से पहले 3 बार रिवीजन। और आप समझ सकते हैं कि 12th के बच्चों का सिलेबस हो चुका है, हमारे यहां तो अच्छे से हो चुका है, बाकी भी कई जगह हो चुका होगा, तो उन बच्चों के लिए और वो बच्चे जो नियर बाई 500, 550 या 600, आप समझ सकते हैं कि नीट 2024 में या जेई के अंदर किसी कारणवश रह गए और वो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं ये महसूस कर रहे हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट में कमी है या हमें एनसीईआरटी अप्रोच में कमी है, तो सीएलसी का ये यूनिक अप्रोच, जहां सीएलसी ने अपडेटेड सिलेबस एनएमसी नेशनल मेडिकल काउंसिल के अनुसार टॉपिक वाइज और लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन तैयार किए हैं, और इस मिड सेशन के बाद में बायोकैम और दंगल के थ्रू आपको हर तरीके से तैयार करेगी। तो आप सबको मतलब सीएलसी का ये यूनिक अप्रोच, ब्रह्मास्त्र, ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। मिश्रा सर, आप बताएं कि किस प्रकार क्वेश्चंस तैयार हुए हैं, किस प्रकार इस पर काम हुआ है और कैसे क्वेश्चन विद्यार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और नीट 2025 और जेई 25 के लिए उनको किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार सिक्वेंस में एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मिश्रा सर, थैंक यू चौधरी। क्वेश्चन तो ये है कि अपने हैंड रिटन क्वेश्चन है और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन, जैसा कि हम लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो गया है कि 2-3 क्वेश्चन थोड़े से ऊंच चूक आएंगे, मतलब कि थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, ट्विस्ट किया जा सकता है। इस वजह से हमारे जो टीचर है, जो टीम है, कंप्यूटर की टीम और हमारी टीचिंग टीम, दोनों का सामंजस्य और नए क्वेश्चन को बनाया जा रहा है जिसको आप तक पहुंचाया जाएगा। हर क्वेश्चन, हर पेपर में आपको 4-5 क्वेश्चन स्टैंडर्ड मिलेंगे, थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, 2-4 क्वेश्चन, जैसे कि आपने वो स्टेटमेंट टाइप का मामले कई होते हैं, आपको उस टाइप से तैयार किया जाएगा कि आप इसमें कभी पेपर टफ आए तो आपको दुखी नहीं होना है, पेपर आसान आए तो खुश नहीं होना है, आपको सीएलसी के साथ चलते रहना है। जैसे एक छोटे बच्चे को उसका पिता गोद में उठाकर उछालता है लेकिन वो पकड़ लेगा, ऐसे ही आपको तैयार किया जाएगा जो आपके लिए बेस्ट होगा। मतलब पूर्ण विश्वास आपको सीएलसी पे होना चाहिए, बिल्कुल। और भाई क्वेश्चन नियर बाय भी हो सकता है, जैसे कि 2024 में जिस प्रकार कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज हुई और एनटीए के द्वारा, उसके बाद आप समझ सकते हो 25 में कुछ पेपर का अच्छा लेवल आ सकता है, या हर तरीके से विद्यार्थी हो तैयार और स्टेटमेंट ज्यादा है, तो इसका उद्देश्य है कि एनसीईआरटी हर स्टेटमेंट को तैयार किया जाए और आपको हर तरीके से पहुंचाया जाए। और इसका वीडियो सॉल्यूशन जो जिस टीचर ने मतलब जिस पेपर को बनाया है, और आप समझो सीएलसी की फैकल्टीज के द्वारा, जो पूरी टीम के द्वारा इसके वीडियो सॉल्यूशन आपको उपलब्ध कराए जाएंगे, उसमें नियर बाय कॉन्सेप्ट और हर तरीके से आपका एक रिवीजन। भाई कई विद्यार्थी से हताश हो चुके हैं, भी नहीं हमसे अब अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, या फिर हम टाइमली अपने कोचिंग ज्वाइन नहीं करी, तो उनके लिए यूनिक अप्रोच है। मैं कहता हूं कि वो अपने दिल में एक जुनून जगा लें, सीएलसी का दामन थाम लें और टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लें, तो मिश्रा सर गारंटेड सफलता पर जा सकते हैं। आप देख सकते हैं सीएलसी के आइकॉन एंड सीएलसी नीट 2024 के अंदर 3 बच्चे जहां एम्स में गए हैं, ओजल राव जो रेवाड़ी हरियाणा की है, हरियाणा की गर्ल्स टॉपर भी है, फ्रेशर ये बच्ची हमारी सिलेक्ट हुई, दिल्ली एम्स में 715 मार्क्स इसने लिए थे। इस बार स्वीटी ढाका, और स्वीटी ढाका तो 600 नंबर थे, उसके बाद बोस के कहने से आप समझ रहे सीएलसी का फिर से दामन पकड़ा, और फिर आप जानते हो दिल्ली एम्स में 715 के साथ, और एक बच्चा आपका सुनील कुमार। इसी प्रकार पैरेलल जेई के अंदर आईआईटी बॉम्बे में प्रशांत मीना विद 12th, और मतलब ये घनेंद्र जोरासिया जो है वो आप सब विद 12th है, मुकुल यादव
तो ये सारे रिजल्ट और आप सीएलसी के वीडियोज के माध्यम से, हमारा जो वो श्रवण सीएलसी के माध्यम से आप वीडियोज देखते रहते हैं, और सीएलसी के सीओ साहिल सर और आप समझ सकते हैं सीओ समर सर और इन सब ने और पूरी टीम ने एक बहुत बड़े एनालिसिस के बाद लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से क्वेश्चंस को तैयार किया है, एक बेस्ट पेपर तैयार किए हैं और अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको सिलेबस को तैयार करना है तो बिल्कुल इन पेपर्स को आप दीजिएगा, इनका वीडियो सॉल्यूशन देखिएगा और आप सीएलसी के संग हो जाएगा। एक जो सीएलसी का है टेक्नो, यानी सीएलसी के अंदर आप जुड़ सकते हैं, टेक्नो का जो एग्जाम है प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसका मॉडर्न नाम हमारे समर सर ने दिया है टैलेंट एक्सप्लोरिंग सीएलसी नेशनल ओलंपियाड 2025, और उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं clctechno.com, और उसके लिए हेल्पलाइन नंबर आपका ये रहेगा, और इसके थ्रू अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सीएलसी के हर कोर्स में जब आप एडमिशन लेंगे तो उसमें स्कॉलरशिप तो है ही, बाकी अगर आप टॉपर्स आते हैं तो आप समझ सकते हैं अप टू 65 करोड़ की स्कॉलरशिप, 75 लाख कैश प्राइज और अप टू 100% स्कॉलरशिप, और आप समझते हैं सीएलसी ईमानदार से इस एग्जाम को कराती है और हर प्रतिभा को मौका देती है और उस प्रतिभा को खोजकर तलाशकर तराशने का एक महाभियान है और उसमें उस प्रतिभा तक पहुंचते हैं और उसको उसका उचित सम्मान मिलता है, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है सीएलसी टेक्नो। हेलो माय डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम इन इंडियाज मोस्ट अवेटेड टेस्ट सीरीज ऑफ सीएलसी मिड सेशन टेस्ट सीरीज। दिस इज डॉक्टर महिपाल चौधरी, zoology faculty clc seeker, and today we are going to discuss about your biology paper of mid session first. Let us see question number 46, which of the following is incorrect? Question ke andar incorrect information se related aapko statement talashna hai. First statement diya hai, animals belong to phylum Ascelminthes have scytoid pouch in between two layers. Definitely statement kya hai correct hai. Ascelminthes ke animals ki baat kare to unke beech mein mesodermal pouch jo hai unki do germinal layers ectoderm aur endoderm ke beech mein mesodermal pouch jo hai scytoid pouch की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ये बात सही है लेकिन क्वेश्चन ने पूछा इनकरेक्ट। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना है, मेसोग्लिया इज अनडिफरेंशिएटेड लेयर, डेफिनेटली अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है मेसोग्लिया, एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म के बीच में प्रेजेंट होने के लिए बता रहा है, ये बात ठीक नहीं है। मेसोग्लिया अनडिफरेंशिएटेड लेयर होती है लेकिन ये अनडिफरेंशिएटेड लेयर एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच में प्रेजेंट होती है, इसी वजह से ये बात ठीक नहीं है। क्वेश्चन ने इनकरेक्ट पूछा है तो डेफिनेटली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन सेकंड ऑप्शन के अंदर है। थर्ड ऑप्शन और देख सकते हैं, द बॉडी कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म इन हेमीकॉर्डेट्स, ये बात सही है। ऑर्थ्रोपोड्स पजेस द सेम बॉडी कैविटी एज ऑब्जर्व इन मोलस्क, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 47 के अंदर पूछा है, स्टडी द फॉलोइंग चार्ट flow chart given below and identify the missing part A, B, C, D and E. जो फ्लो चार्ट दिया हुआ है इसमें A, B, C, D, E को identify करना है, तो definitely NCERT का flow chart है। यहाँ animals जो है उनको classification के लिए level of organization की बात करें तो definitely A की बात करें तो निश्चित रूप से इधर A का जो है इससे related phylum Porifera है, और Poriferans की बात करें तो निश्चित रूप से उनके अंदर level of organization की बात करें तो कैसा होता है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो ए डेफिनेटली क्या होगा, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड आपको बातें ध्यान रखनी है। इधर ऑप्शन साथ के साथ मैच कर सकते हैं अपन, फर्स्ट ऑप्शन में ए के लिए सेलुलर दिया हुआ, सेकंड में भी दिया हुआ, थर्ड में भी दिया हुआ और फोर्थ में भी दिया हुआ। आगे चलो, बी के लिए पूछा है, बी के लिए जिनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन हो और जिनमें सिमेट्री रेडियल हो, लेकिन सिलोम की बात करें तो आगे चल के जैसे सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स की बात के बारे में बात की हुई है, तो निश्चित रूप से सिलेंट्रेट्स एंड टीनोफोर्स की बात करें तो उनमें कोई बॉडी कैविटी या सीलोम प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि कैसे होता है, एसीलोमेट्स होंगे, तो डेफिनेटली बी की बात करें तो बी जो है उसको किससे डिनोट करेंगे, एसीलोमेट से, एसीलोमेट का ऑप्शन तलाशेंगे तो निश्चित रूप से केवल और केवल दो ही ऑप्शन में दिया हुआ है फर्स्ट एंड थर्ड के अंदर। फिर आगे चलो, सी के लिए बोला है सिमेट्री की बात करें तो एक तरफ रेडियल सिमेट्री जिनमें टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो निश्चित रूप से यहां पे सी की बात करें तो सी के अंदर सिमेट्री कौन सी होगी, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, तो सी जो है उसको देखो बाइलेटरल सिमेट्री से, सी बाइलेटरल सिमेट्री
और इधर रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, तो डेफिनेटली सी बाइलेटरल सिमेट्री होगी। और डी की बात करें तो डी यहां पे स्यूडो सिलोमेट यानी कि फॉल्स सिलोम जिनके अंदर प्रेजेंट होती है उनकी बात करें तो एस्केलमिंथीज होते हैं, तो डी को एस्केलमिंथीज से रिप्रेजेंट कर देंगे। और ई की बात करें तो ई जो है वो क्या हो जाएंगे, जिनके अंदर ट्रूसिलोमेट्स, तो कॉमन सेंस की बात है, ऑर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स, इनकी अगर बात करें तो ये सभी कैसे होते हैं, ट्रूसिलोमेट एनिमल होते हैं, तो डेफिनेटली ई सिलोमेट। यानी कि क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर की बात करें तो कौन सा होगा, फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 48 में रिप्रेजेंट किया है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग डायग्राम, गिवन डायग्राम एनसीईआरटी का डायग्राम है, नीडोब्लास्ट सेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड अपने को करेक्ट ऑप्शन तलाशने हैं। करेक्ट ऑप्शन आप ऑब्जर्व करोगे तो पहला स्टेटमेंट दिया है इट रिप्रेजेंट क्विनोसाइट इन पोरीफेरा, बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन है, पोरीफेरंस के अंदर नहीं है ये, नीडोब्लास्ट जो सेल्स होती है ये सिलेंट्रेट्स के अंदर प्रेजेंट होती है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। उसके बाद में इट इज यूज्ड फॉर एनकरेज एंड डिफेंस, बिल्कुल ये बात सही है, डिफेंस के लिए, एनकरेज के लिए, ऑफेंस के लिए ये सेल्स रिस्पांसिबल होती हैं, ये बात ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट इट रिप्रेजेंट नीडोब्लास्ट इन सिलेंट्रेट्स, ये इंफॉर्मेशन भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेटमेंट में दिया इट यूज्ड फॉर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ गैसेस, इंफॉर्मेशन रॉन्ग है, इट कंटेन्स स्टिंग कैप्सूल कॉल्ड नेमेटोसिस्ट, तो डेफिनेटली ये बात भी सही है। अब इससे रिलेटेड करेक्ट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अपने को ऑप्शन तलाशना है जिसमें सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ दिया हो, तो सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड के अंदर, तो क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 के अंदर रीड द गिवन स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पजेस इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, एक्सिबिट पॉलीपे टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म, सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म, द करैक्टरिस्टिक गिवन अबोव आर शोन बाय, ये सभी करैक्टर किसके द्वारा शो किए जाते हैं, तो डेफिनेटली रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल और टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, तो टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेट्स में होता है, टीनू फोर्स में होता है, और दोनों की अगर बात करें तो उनके अंदर सिमेट्री भी रेडियल होती है। डाइजेशन की बात करें तो बॉट टाइप का डाइजेशन होगा, और लेकिन यहां पे डिस्टिंक्टिव फीचर अपने को ये देखना है कि एक्सिबिट पॉलीप फॉर्म, पॉलीप फॉर्म वाले एग्जांपल देखने, और साथ ही सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म होती है, डेफिनेटली पॉलीप फॉर्म ऐसी ही फॉर्म होती है जो सेसाइल होती है और सिलेंड्रिकल होगी, तो उससे रिलेटेड यहां ऑप्शन तलाशेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन दे रखा है एडम्स या पॉलीप फॉर्म से रिलेटेड सिलेंड्रिकल और सेसाइल, और अबव जो करेक्टर है वो सभी फुलफिल कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला एडम्स या। देन क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म इज वेल मार्क्ड बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इमिटिंग लाइट, लाइट इमिटिंग प्रॉपर्टी की बात करें, जीव प्रतिदीप्ति की प्रॉपर्टी की बात करें तो वो किसके अंदर प्रेजेंट होती है, तो डेफिनेटली टीनू फोर्स जो होते हैं उनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, और यहां टीनू फोरा से रिलेटेड एग्जांपल रिप्रेजेंट किया है कौन सा, टीनू प्लाना, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर दिया है आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन स्पेसिफाइंग द नेम्स ऑफ द एनिमल्स ए बी सी एंड डी, चार आपको यहां डायग्राम दिए हुए हैं और इन चारों डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है, तो डेफिनेटली ए की बात करें तो ए किसको डिनोट कर रहा है, ए वाला जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्लूरोब्रेंकिया को। बी की बात करें तो बी किसको डिनोट कर रहा है, डेफिनेटली क्या है, राउंड वर्म बोल सकते हैं, एस्केरिस। और सी की बात करें तो सी किसको डिनोट कर रहा है, ये टेफ वर्म यानी कि टीनिया। और साथ ही डी की बात करें तो डी किसको डिनोट करेगा, ये डी डिनोट करता है लीवर फ्लूक बोलते हैं, फेसियोला हिपेटिका, फेसियोला हिपेटिका को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे ऑप्शन अगर अपन तलाशेंगे तो यहां पे अपने को करेक्ट आंसर मिलेगा जिसमें ए में प्लूरोब्रेकिया, ए में प्लूरोब्रेकिया दो में ही दे रखा है। बी की बात करें तो बी राउंड वर्म, सीटिनिया एंड डी लीवर फ्लू, डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड वाला।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर पूछा व्हाट इज ट्रू अबाउट मोलस्का। मोलस्का से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट तलाशना है। मोलस्का से रिलेटेड करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें, प्रेजेंस ऑफ मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मोलस्क जो होते हैं एक्सेप्ट नियोपिलीना, डेफिनेटली ये कैसे होते हैं, अनसेगमेंटेड बॉडी वाले एनिमल होंगे, तो ये बात ठीक है नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में दिया है द प्रेजेंस ऑफ मेंटल कैविटी एंड फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन। ये बिल्कुल सही बात है, मेंटल कैविटी का प्रेजेंट होना और माउथ के अंदर फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, क्रशिंग ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी अगर बात करें, जिनको रेडुला बोलते हैं, उनका प्रेजेंट होना मोलस्का का डिस्टिंक्टिव फीचर होता है। इसी वजह से सेकंड ऑप्शन की बात करें 52 के अंदर तो ये करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी। थर्ड की बात करें प्रेजेंस ऑफ टिश्यू लेवल नहीं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। प्रेजेंस ऑफ काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इनके अंदर हार्ड सेल वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है, कैल्केरियस सेल प्रेजेंट होता है। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन सेकंड ऑप्शन में, इसी वजह से 52 का करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर स्टारफिश। स्टारफिश से रिलेटेड आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन तलाशनी है। पहला ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन में बोला है सेक्सेस आर सेपरेट एंड रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। बिल्कुल सही बात है स्टारफिश से रिलेटेड कि इनके अंदर सेक्स सेपरेट होते हैं और रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो भी सेक्सुअल होता है। फिर आगे दिया हुआ है डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद फ्री लिविंग लार्वा। लार्वा स्टेज की बात करें तो वो भी फ्री लिविंग होती है और डेफिनेटली जब लार्वा स्टेज आएगी तो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, तो ये इंफॉर्मेशन भी सही है। उसके बाद में माउथ इज प्रेजेंट ऑन अपर या डॉर्सल, ये इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है। माउथ लोअर या वेंट्रल सर्फेस पे प्रेजेंट होता है जबकि एनस प्रेजेंट होता है डॉर्सल या अपर सरफेस पे, ये गलत इंफॉर्मेशन है। और फोर्थ स्टेटमेंट एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स, ये बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से फर्स्ट सेकंड और फोर्थ से रिलेटेड आप ऑप्शन तलाशोगे तो इसके अंदर करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। तो 53 का करेक्ट आंसर आपको करना है सेकंड वाला। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 के अंदर चूज द करेक्ट नेम्स फॉर द फॉलोइंग। करेक्ट नेम की बात करें तो डेफिनेटली ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्कॉर्पियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी की बात करें तो बी प्रॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है और सी की बात करें तो ये ऑक्टोपस को रिप्रेजेंट कर रहा है और डी की बात करें तो ये ऑप्यूरा यानी कि ब्रिटल स्टार को डिनोट कर रहा है। तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड अगर आप ऑप्शन तलाशोगे तो ए स्कॉर्पियन ऐसा फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ। बी के लिए प्रॉन फर्स्ट और सेकंड दोनों में। सी की बात करें तो सी ऑक्टोपस, सी ऑक्टोपस एंड डी ऑप्यूरा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करें तो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन द जीनस नेम इट्स ए टू कैरेक्टर्स एंड इट्स ए फाइलम आर नॉट करेक्टली मैच करेक्टर और फाइलम के साथ किस एनिमल को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किया, उससे रिलेटेड आपको करेक्ट ऑप्शन तलाशना है। फर्स्ट के अंदर पाइला की बात करें तो इसके टू करेक्टर सेगमेंटेड बॉडी, ये इंफॉर्मेशन ठीक है नहीं है। माउथ विथ रेडुला, बिल्कुल ये तो ठीक है लेकिन सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट नहीं होती, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वही क्या है, ठीक नहीं है। और क्वेश्चन ने क्या पूछा है, करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो फर्स्ट ही करेक्टली मैच्ड नहीं है। उसके बाद में आगे वाले एस्टीरियास की बात करें, स्पाइन स्किन होती है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इकाइनोडर्मेटा, ये भी ठीक है। नेरिस के अंदर पैरापोडिया, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी एंड कोर्डेट्स के अंदर कौन कौन से सब फाइलम होते हैं, तो डेफिनेटली वर्टिब्रेटा सब फाइलम का नेम है। प्रोटोकोर्डेटा की बात करें नहीं, यूरोकोर्डेटा की बात करें तो ये सब फाइला है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। यूरोकोर्डेटा ग्नेथोस्ट्रोमेटा नहीं, वर्टिब्रेटा भी है। यूरोकोर्डेटा ट्यूनिकेटा दोनों का मतलब एक ही हो गया और वर्टिब्रेटा ऐसे ट्यूनिकेटा सेफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा डेफिनेटली ट्यूनिकेटा। यूरोकोर्डेटा को ट्यूनिकेट्स भी बोलते हैं, सेफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा ये तीनों कोर्डेटा के सब फाइलम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 57, क्वेश्चन नंबर 57 के अंदर ऑल द गिवन कैरेक्टरिस्टिक्स आर कॉमनली फाउंड इन ऑल वर्टिब्रेट्स एक्सेप्ट।
सभी करेक्टर प्रेजेंट होंगे वर्टिब्रेट्स के अंदर किसी एक को छोड़ के, वही ऑप्शन आपको तलाशना है। पहला दिया हुआ पेयर्ड अपेंडेजेस एज फिन्स और लिम्फ। फिन्स या लिम्फ्स की फॉर्म में, पेयर की फॉर्म में क्या प्रेजेंट हो सकते हैं? अपेंडेजेस प्रेजेंट हो सकते हैं या रखते हैं, बिल्कुल सही बात है। प्रेजेंस ऑफ किडनी फॉर एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन, ये बात भी सही होगी। पजेस वेंट्रल मस्कुलर हार्ट, ये बात भी डेफिनेटली सही है कि मस्कुलर हार्ट वेंट्रल होता है और ये कॉर्डेट का करेक्टर होता है। नोटोकॉर्ड पर्सिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, ये बात ठीक है नहीं है। नोटोकॉर्ड की बात करें तो इसको रिप्लेस कर दी जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर थ्रू आउट द लाइफ। सभी कॉर्डेट्स की बात करें तो उनके अंदर ये करेक्टर या वर्टिब्रेट्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। Then question number 58. Question number 58 के अंदर पूछा है, choose the correct statement for the animals shown in the figure below. 58 के अंदर पहला ऑप्शन आपको तलाशना है, the skin is tough, containing minute placoid scales. Placoid scales की बात करें तो इनका प्रेजेंट होना कॉन्ड्रिक्थीज की जो फिश होती है उनका करेक्टरिस्टिक फीचर होता है और उनके अंदर माउथ वेंट्रल साइड में होता है और यहां पे माउथ टर्मिनल दिया हुआ है। ये फिश ग्लासोस्टिक्थीज का मेंबर है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है नहीं है। सेकेंड के लिए बोला इट इज फाउंड इन मेराइन वाटर, ये मेराइन वाटर की बात नहीं है, ये फ्रेश वाटर फिश है, तो ये इंफॉर्मेशन भी ठीक है नहीं है। उसके बाद में दिया हुआ फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड ओवीपेरस, बिल्कुल ये बात है सही है। माउथ की बात करें तो लोकेटेड वेंट्रली एंड जॉ और वेरी पावरफुल, नहीं ये भी कॉन्ड्रिक्थीज का करेक्टर होता है और इसमें माउथ टर्मिनल प्रेजेंट है, इसी वजह से इससे रिलेटेड करेक्ट इंफॉर्मेशन है थर्ड ऑप्शन के अंदर। तो 58 का आंसर होगा थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर पूछा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन फिगर्स। दो फिगर दिए हुए हैं ए एंड बी। फर्स्ट फिगर की बात करें तो इसके अंदर एम्फीबियन को रिप्रेजेंट किया है सेलामेंड्रा, और दूसरी की बात करें तो डेफिनेटली ये क्या होगा, कैमेलियन को रिप्रेजेंट किया है। अब इससे रिलेटेड ऑप्शन तलाशो, एनिमल ए इज सेलामेंड्रा एंड बी इज कैमेलियन। फर्स्ट ऑप्शन में ही दिया हुआ है बोथ ए एंड बिलोंग टू क्लास रेप्टिलिया, नहीं दोनों क्लास रेप्टिलिया से नहीं है, ये क्या है एम्फीबियन है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल इन बोथ द एनिमल्स, नहीं एनिमल्स ए हैज टू चैम्बर्ड हार्ट एंड बी हैज थ्री चैम्बर्ड हार्ट। ए की बात करें तो इसके अंदर भी थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है, एम्फीबियन है। तो करेक्ट इंफॉर्मेशन दी हुई है फर्स्ट ऑप्शन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 के अंदर मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, कॉलम्स को मैच करना है। डेफिनेटली एक तरफ एनिमल्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है और दूसरी तरफ इनके साइंटिफिक नेम को रिप्रेजेंट किया हुआ है। फर्स्ट की अगर बात करें तो फर्स्ट डायग्राम फ्रेश वाटर ऑस्टिक्थीज है, और इस फ्रेश वाटर ऑस्टिक्थीज की बात करें तो इसको कटला कंसिडर करेंगे और यहां कटला से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ वाला। सेकेंड की बात करें तो सा लाइक स्ट्रक्चर जिसका स्नट जो देखने को मिल रहा है उसको बोलेंगे प्रिस्टिस। ऐसे ही सी की बात करें तो सी पेट्रोमाइजन क्लास साइकिल स्टोमेटा का मेंबर है, और साथ ही डी की बात करें तो डी सार्क है, स्कोलियोडॉन अपन वो कंसीडर करेंगे इसको। अब इससे रिलेटेड आप मैचिंग तलाशोगे तो ए के अंदर फोर, ए के अंदर फोर दो ऑप्शन में दिया हुआ है, बी के अंदर सेकंड, बी के अंदर सेकंड, सी के अंदर फाइव, सी के अंदर फाइव, केवल एक में ही दिया हुआ है। करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 60 के लिए आपको ध्यान रखना है इसका आंसर होगा फर्स्ट। Then question number 61. Question number 61 match the following columns. Column first को column second से आपको match करना है. First column के बात करें तो इसके अंदर कोई character दिया हुआ है diploblastic, radially symmetrical और tissue level organization. ऐसा किसके अंदर होता है? तो नीचे example दिए हुए Voucher area diploblastic नहीं, triploblastic, Dugesia. ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, कुकोमेरिया ये भी नहीं होगा, बेलेग्नोग्लोसस भी ट्रिप्लोब्लास्टिक, लेकिन हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा डिप्लोब्लास्टिक है। तो डेफिनेटली ए को आपको मैच करना है किसके साथ है? फाइव के साथ, ए को फाइव के साथ मैच करना है। उसके बाद में ट्रिप्लोब्लास्टिक स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स, और स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स के साथ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, तो स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स डेफिनेटली इसके एलिमेंटीज का होगा। तो बी को आपको मैच करना है किसके साथ? बी को मैच करना है आपको फर्स्ट के साथ। आगे देखिए, बायलिटरल सिमेट्री, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ये डेफिनेटली प्लेटी हेलमिंथीज का करेक्टर है और प्लेटी हेलमिंथीज से रिलेटेड यहां एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो डेफिनेटली इसको आप रिप्रेजेंट करोगे सी से। ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट्स एंड रेडियल सिमेट्री,
तो डेफिनेटली ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट और रेडियल सिमेट्री से रिलेटेड कुकुमेरिया इकाइनोडर्म्स होते हैं, इसी वजह से इसको आपको मैच करना है किसके साथ है? सी को तो मैच करना था आपको डुगेसिया के साथ, यहां दो नंबर, और एक्चुअल में ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट की बात करें तो इसको तीन नंबर से। ऐसा ऑप्शन तलाशना है जिसमें ए में फाइव दिया हुआ है, केवल फोर्थ में बी के अंदर दिया हुआ है फर्स्ट, सी की बात करें तो इसमें टू दिया हुआ है, एंड डी की बात करें तो इसको मैच करोगे थर्ड से। तो क्वेश्चन नंबर 61 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 के अंदर दिया हुआ है व्हेन एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ, द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म, बाइलेटरल सिमेट्री, एसिमेट्रिकल, मेटामेरिकली सेगमेंटेड, ये भी नहीं होगा, एसिमेट्रिकल भी नहीं होगा और बाइलेटरल सिमेट्री भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एनी प्लेन, किसी भी प्लेन से अगर जो सेंट्रल एक्सिस से पास आउट हो रहा है उससे अगर बॉडी को एक से ज्यादा प्लेन में टू आइडेंटिकल इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं तो सिमेट्री डेफिनेटली रेडियल सिमेट्री होगी। जैसे किसी भी एक सर्कल या सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर मेनी या फिर इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है, वैसे ही मल्टीपल प्लेन के अंदर, एक से ज्यादा प्लेन के अंदर अगर अपन किसी एनिमल की बॉडी को डिवाइड करेंगे तो सिमेट्री कौन सी होगी? उसके अंदर रेडियल सिमेट्री। तो क्वेश्चन नंबर 62 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। Then question number 63. Question number 63 के अंदर पूछा है which of the following organism is correctly matched with its common name? Common name से related कौन सा animal correctly match किया गया? पहला दिया हुआ है Aurelia Comgelli, बिल्कुल ठीक बात नहीं है। Adamsia की बात करें तो sea anemone बोलते हैं, ये information ठीक है। Ancylostoma को hookworm बोलते हैं, ये भी ठीक नहीं है। Aplysia की बात करें तो इसको sea mouse नहीं sea hare बोलते हैं, ये भी ठीक नहीं है। तो question number 63 की बात करें तो इसका correct answer होगा सेकेंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो द मेंबर्स ऑफ फॉलोइंग फाइलम आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, रेडियली सिमेट्रिकल एंड डिप्लोब्लास्टिक। एक्सक्लूसिवली मैराइन हैबिटेट वाला एनिमल होना चाहिए, डिप्लोब्लास्टिक होना चाहिए और साथ ही उसके अंदर सिमेट्री भी कैसी होनी चाहिए? रेडियल सिमेट्री होनी चाहिए। तो ऐसा पॉलीफेरन्स की बात करें तो ये तो एसिमेट्रिकल होते हैं, इनकी तो कहानी बंद करो। फिर सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है इकाइनोडर्मेट्स, इकाइनोडर्म्स में की बात करें तो ये डिप्लोब्लास्टिक नहीं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, थ्री कोर की होंगे तो निश्चित रूप से ये भी ठीक है नहीं। और टीनोफोरा की बात करें तो एक्सक्लूसिवली मेराइन भी होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल भी होंगे और साथ ही डिप्लोब्लास्टिक भी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 64 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड वाला। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 65 की बात करें तो विच इज अनरिलेटेड, कौन सा अनरिलेटेड है? तो पहला दिया हुआ है सी कुकुम्बर, समुद्री खीरा, डेफिनेटली इकाइनोडर्मेटा का मेंबर है। सी स्टार की बात करें तो ये भी इकाइनोडर्म है। सी अर्चिन की बात करें तो डेफिनेटली ये भी क्या है? इकाइनोडर्म है। सी स्क्वेड की बात करें तो ये इकाइनोडर्म नहीं है, इसी वजह से ऑड से रिलेटेड अपने को ऑप्शन तलाशना था या अनरिलेटेड, यहां फिर फोर्थ ऑप्शन होगा समुद्री स्क्वेड। तो क्वेश्चन नंबर 65 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर ए मैचिंग सेट ऑफ फाइलम एंड इट्स ए थ्री एग्जांपल, थ्री एग्जांपल्स और उसके फाइलम से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको तलाशना है। पहले ऑप्शन में दिया हुआ फ्लैटी हेलमिंथीज प्लेनेरिया बिल्कुल है। सिस्टोसोमा ब्लड फ्लूक की बात करें तो ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं, और एंटेरोबियस की बात करें प्लेटी एलमेंटिस नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। मोलस्का की बात करें लोलीगो, एप्लेसिया एंड ऑक्टोपस, डेफिनेटली सभी क्या है? मोलस्कन है। पोरिफेरेंस स्पॉन्जिला है, यूप्लेक्टेला एंड पेनेटुला, ये बात ठीक है नहीं है। निडेरियंस की बात करें लोकस्ट्रा, ये भी ठीक नहीं है, इसी वजह से फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो ये भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें तो बेटा इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सेकेंड वन। देन क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो इसके अंदर चेंज दैट अलाउ द कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, लार्वा का एडल्ट के अंदर परिवर्तनों को क्या कहते हैं? तो मॉर्फोलॉजिकल चेंज होके, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं लार्वा इवॉल्व हो जाता है, वयस्क रूपांतरित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं मेटामोर्फोसिस। मेटाजेनेसिस नहीं, मेटाजेनेसिस तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जैसे सिलेंट्रेट्स के अंदर होता है, और अल्टरनेशन की
बात करें यह भी ठीक नहीं होगा, लेकिन मेटामॉर्फोसिस की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। मेटास्टेसिस की बात करें, नहीं, मेटास्टेसिस ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, कैंसर की प्रॉपर्टी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 67 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो इसके अंदर आपको द गिवन फिगर्स ए बी सी एंड डी आर द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ट्रू लैंड वर्टिब्रेट्स, दे आर डोमिनेंट इन मीजोजोइक एरा एंड बिलोंग टू क्लास अक्स, क्लास एक्स से रिलेटेड हैं ये जो भी आपको डायग्राम ए बी सी डी दे रखा है। और साथ ही बात बोला है आइडेंटिफाई अक्स एंड द एनिमल्स विच हैव फोर चैम्बर्ड हार्ट। एक तो आपको अक्ष को आइडेंटिफाई करना है और दूसरा इन अक्ष वाले एनिमल्स की बात करें तो किस में फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है उससे रिलेटेड आपको ऑप्शन तलाशना है। तो फर्स्ट की बात करें तो डेफिनेटली फर्स्ट जो है वो लिजार्ड कैमिलियन दिया हुआ है, सेकंड के अंदर क्रोकोडाइल एलिगेटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, थर्ड की बात करें तो इसके अंदर कहीं ना कहीं कछुए टर्टल वगैरह से, और डी की बात करें तो यहां पे स्नेक को रिप्रेजेंट किया है। तो डेफिनेटली अक्ष की बात करें तो सभी मेंबर जो है किस क्लास के मेंबर है, रेप्टिलिया के मेंबर हैं। तो एक आंसर तो अपने को निकालना है रेप्टिलिया से रिलेटेड। अब रेप्टिलिया की बात करें या रेप्टाइल से रिलेटेड ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दिए में। फिर फोर चैम्बर्ड हार्ट की वाली इंफॉर्मेशन की बात करें तो फोर चैम्बर्ड हार्ट रेप्टाइल्स के अंदर एक्सेप्शनली, अगर क्रोकोडाइल्स की बात करें तो उनके अंदर हार्ट कितने चैम्बर वाला होता है, फोर चैम्बर वाला होता है। इसी वजह से आगे अगर फोर चैम्बर हार्ट की बात करें तो करेक्ट इंफॉर्मेशन होगी बी। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो 68 का करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 के अंदर पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स इज रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द करंट ऑफ वाटर इन स्पंज। स्पंज के अंदर वाटर के करंट को कौन मेंटेन रखता है, ऑस्कुलम, नहीं, ये तो लार्ज ओपनिंग होती है, पोरोसाइट्स, नहीं, स्पंजोसील, स्पंजोसील नहीं, स्पंजोसील लाइंड रहती है किसके द्वारा, फ्लैजिलर सेल, कोलर सेल या फिर कोइनोसाइट्स। इसी वजह से कोइनोसाइट्स जो है वो वाटर की करंट को मेंटेन रखने का काम करेंगे। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 70, मैच द करैक्टरिस्टिक फीचर्स या फिर टर्म गिवन इन कूलम फर्स्ट विद द फाइलम टू व्हिच दे बिलोंग्स गिवन इन कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन आपको तलाशना। पहला दिया हुआ है कोइनोसाइट, कोइनोसाइट्स का प्रेजेंट होना पोरिफेरेंस का डिस्टिंक्टिव फीचर मैच कर दो पोरिफेरा से। नीडोब्लास्ट की बात करें तो नीडोब्लास्ट का प्रेजेंट होना डिस्टिंक्टिव फीचर सिलेंट्रेट्स का मैच कर दो सिलेंट्रेट्स से। फ्लेम सेल्स की बात करें तो नॉन कॉर्डेट्स के अंदर फ्लेम सेल्स प्रेजेंट होती है प्लेटीहेलमिंथीज के अंदर। और साथ ही नेफ्रीडिया की बात करें तो नेफ्रीडिया एनेलिड्स के अंदर एक्सक्रीटरी एंड ऑस्मोरेगुलेटरी स्ट्रक्चर एंड कॉम्प्लेक्स की बात करें तो डेफिनेटली टीनोफोर्स के अंदर। अब आप इससे रिलेटेड ऑप्शन तलाशोगे जिसमें ए में थर्ड बी में फोर, ए की बात करें तो ए में थर्ड बी में फोर, ए में थर्ड यहां से आंसर तो निकल गया सी के अंदर फर्स्ट डी के अंदर फाइव और साथ ही ई के अंदर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर 70 की बात करें तो 70 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। Then question number 71 के अंदर पूछा है base your answer to question on the diagram given below। स्केच आपको रिप्रेजेंट किया है और इस स्केच के अंदर पूछा है ट्रांजिशन इन the एनिमल्स बॉडी प्लान आर आइडेंटिफाइड along the ब्रांच लेटर ए टू ई रिप्रेजेंट evolutionary milestone which of the following later indicates deuterostome development एंड प्रेजेंस ऑफ ही एंडोस्केलेटन। ड्यूटेरोस्टोमिएट की बात करें तो जिनमें ब्लास्टोपोर से पहले किसका फॉर्मेशन होता है, एनस का, एंड देन फॉर्मेशन होगा माउथ का। तो ऐसे एनिमल्स कौन होते हैं, तो ऐसे एनिमल्स इकाइनोडर्म्स हो सकते हैं, हेमिकोर्डेट्स हो सकते हैं, एंड कॉर्डेट्स हो सकते हैं। उससे पहले वाले तो प्रोटोस्टोमिएट होते हैं। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं अपने को इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा या फिर कॉर्डेट से रिलेटेड ऑप्शन तलाशना है। तो डेफिनेटली यहां ए की बात करें तो ए की बात तो कहीं ना कहीं निडेरियन से रिलेटेड है, बी की बात करें तो प्लेटीहेलमिंथीज, सी की बात करें तो निमेटोड राउंड वर्म से रिलेटेड है, यानी कि ये भी ठीक नहीं है। ऐसे ही डी की बात करें तो डी वाले जो है लाइक एनेलिड्स, ऑर्थ्रोपॉड्स एंड मोलस्क हो सकते हैं, तो इनसे रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन नहीं है।
करेंगे। लेकिन इधर ये जो ब्रांच दिखा रखी है, इस ब्रांच की बात करें जिसको रिप्रेजेंट किया गया है ई से, तो यहां इकाइनोड्रमेटा हो सकते हैं, कॉर्डेट्स हो सकते हैं, हेमिकॉर्डेट्स हो सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड अगर बात करें तो डेफिनेटली वो कैसे होंगे, ड्यूटेरोस्टोमेट एनिमल होते हैं। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 71 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 71 के अंदर ई से रिलेटेड अगर बात करें तो ई वाले एनिमल जो है वो सभी कैसे होंगे, ड्यूटेरोस्टोमेट। इसी वजह से 71 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला। देन क्वेश्चन नंबर 72 फिर से मेस्डी कोलम का क्वेश्चन है। मेस्डी ऑर्गेनिज्म गिवन इन कोलम फर्स्ट विथ द कॉमन नेम गिवन इन कोलम सेकंड एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। पहला दिया हुआ है पेनेटुला, पेनेटुला की बात करें तो सी पेन, एंटीडॉन की बात करें तो इसको बोलेंगे सी लीली, इकाइनस की बात करें तो सी आर्चिन एंड कुकुमेरिया की बात करें तो सी कुकुम्बर। फर्स्ट को आप मैच कर दीजिए सेकंड के साथ, सभी में दिया हुआ है। बी को आप मैच कर दीजिए फर्स्ट के साथ, दो में दिया हुआ है। सी को आप मैच कर दीजिए थर्ड के साथ, केवल एक में ही दिया हुआ है, एंड डी फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 72 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन नंबर 73 के अंदर पूछा है Which of the following is living fossil? Balanoglossus नहीं, Echinus नहीं, Ancylo, Limulus की बात करें तो definitely Limulus जो है उसको क्या बोलते हैं, living fossil बोलते हैं। Presently ये Limulus living condition में है और इसके fossils जो हैं वो भी recover किए गए हैं, इसी वजह से इसको living fossil भी बोलते हैं। तो question number 73 की बात करें तो इसका correct answer होगा fourth वाला। Then question number 74 की बात करें तो 74 में Entinophora, the body bears fill in the blanks external row of ciliated complex. तो ciliary complex का नंबर कितना होता है, 8 होता है, which helps in locomotion. तो definitely इसका भी correct answer कौन सा होगा, fourth वाला। Then question number 75, question number 75 के अंदर पूछा है which of the following statements are correct for basis of classification of animals. एनिमल्स के क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन से रिलेटेड आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन तलाशनी है, और करेक्ट इंफॉर्मेशन से रिलेटेड एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेसोग्लिया इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म इन ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ये इंफॉर्मेशन ठीक नहीं है भाई, अनडिफरेंशिएटेड है मेसोग्लिया और केवल दो ही जर्मिनल लेयर बनी है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो उनको अपन डिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं बोलेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक नहीं है। सेकंड में दिया हुआ है एनालिड्स मोलस्कंस आर्थ्रोपोड्स इकाइनोडर्म्स हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स आर सीलोमेट्स, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन है। देन एस्केल्मिंथीस और कॉल्ड स्यूडो सीलोमेट्स, ये बात भी बिल्कुल सही है। एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसीलोमेट। एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट, जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होगी, कॉमन सेंस की बात है, उनको एसीलोमेट्स ही बोला जाएगा, ये बात भी ठीक है। फिर फिफ्थ स्टेटमेंट की बात करें तो फिफ्थ स्टेटमेंट में बोला प्लेटीहेल्मिंथीस टू कॉर्डेट्स आर कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, डिप्लोब्लास्टिक नहीं बोलते। प्लेटीहेल्मिंथीस टू कॉर्डेट्स की बात करें तो इनमें तीनों जर्मिनल लेयर्स बन जाती हैं और इसी वजह से ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, तो फिफ्थ स्टेटमेंट भी ठीक नहीं है। अब सेकंड थर्ड एंड फोर्थ की बात करें तो ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है जो दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर। तो 75 की बात करें तो 75 का करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 के अंदर दिया है स्टेटमेंट फर्स्ट एम्फीबिया रेप्टिलिया एल्व्स एंड मैमल्स इंक्लूडेड इन सुपर क्लास टेट्रापोडा, बिल्कुल स्टेटमेंट फर्स्ट के अंदर इंफॉर्मेशन सही है, सभी सुपर क्लास टेट्रापोडा के मेंबर हैं। उसके बाद में स्टेटमेंट सेकंड मैमल्स हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स अडेप्टेड फॉर वॉकिंग रनिंग क्लाइंबिंग बरोविंग स्विमिंग और फ्लाइंग, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो इससे रिलेटेड कौन सा आंसर आ जाएगा, फर्स्ट वाला। तो क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें तो 76 का आंसर होगा फर्स्ट। देन क्वेश्चन नंबर 77, द फिगर गिवन बिलू शो द टाइप ऑफ सीलोम आइडेंटिफाई देम एंड सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच पजेस देम। तो डेफिनेटली यहां पे तीनों जर्मिनल लेयर्स को रिप्रेजेंट किया, एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म वाली लेयर भी दिखा रखी है, और इन दोनों की बात करें तो अंदर वाली साइड में गट को और बाहर वाली साइड में बॉडी वॉल को, दोनों को मेसोडर्म से लाइन भी किया जा चुका है, तो डेफिनेटली ये ट्रू सिलोम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ट्रू सिलोम की बात करें तो ये निश्चित रूप से एनालिड से लेके और कोर्डेट्स तक प्रेजेंट होती है, तो इससे रिलेटेड अगर ऑप्शन की बात करें तो ए को अपने को ट्रू सिलोमेट रिप्रेजेंट करना है।
ट्रूसिलामेट्स। बी की इस सेकंड डायग्राम की बात करें तो सेकंड के अंदर आपको मीजोडर्मल पाउच दिख रहे हैं बिटवीन गट वॉल एंड बॉडी वॉल, इसी वजह से मीजोडर्मल पाउच की बात करें तो ये कहीं ना कहीं स्यूडोसिलोमेट्स को रिप्रेजेंट करता है। और थर्ड वाले की डायग्राम की बात करें तो इसके अंदर तीनों जर्मिनल लेयर्स दिख रही हैं लेकिन सिलोम डेवलप नहीं हुई, इसी वजह से ये कैसे होंगे, एसिलोमेट होंगे। अब ऐसे ऑप्शन तलाशेंगे तो डेफिनेटली ट्रू सिलोमेट्स कौन हो सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन में एनेलिड्स, मोलस्क, इकाइनोडर्म्स एंड इकाइनोडर्म्स, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन से तो आंसर नहीं निकलेगा। बी के अंदर एस्केल्मिन्थीज, बिल्कुल सही बात है, एस्केल्मिन्थीज से रिलेटेड केवल ऑप्शन दो ही दे रखे हैं, इनके अंदर कैसी होती है, स्यूडोसिलोम होती है। और सी की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थीज और सी एनेलिड्स, तो यहां पे प्लेटीहेल्मिन्थीज की बात करें तो भी बिल्कुल सही है, एसिलोमेट्स होंगे, तो फर्स्ट वाला आंसर प्रेफर करेंगे। हाँ पे ए की बात करें तो एनेलिड्स हो सकता है, पी की बात करें तो एस्केल्मिन्थीज एंड सी की बात करें तो प्लेटीहेल्मिन्थीज, तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर होगा फर्स्ट वन। देन क्वेश्चन नंबर 78, क्वेश्चन नंबर 78 के अंदर पूछा बेसिकली ऑल कॉर्डेट्स आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स, दिस स्टेटमेंट इज कंप्लीटली फॉल्स, नहीं फॉल्स नहीं है ये इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही है, एप्लीकेबल टू सम कोर्डेट्स ओनली, सम कोर्डेट्स के लिए नहीं, ज्यादातर कोर्डेट्स के लिए बात रिप्रेजेंट की है, जहां मोस्ट ऑफ द कोर्डेट्स की बात करें तो उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, ज्यादातर जो कोर्डेट्स होते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल होगी, और साथ ही एडल्ट के लिए ये फीचर्स था, लेकिन डेफिनेटली थर्ड स्टेटमेंट में दिया एप्लीकेबल टू ऑल कोर्डेट्स because at some stage of their development they saw some sort of serial repetition of the body parts. Embryonic development की अगर बात करें तो chordates जो होते हैं उनके अंदर definitely serial repetition of organs देखने को मिलता है all chordates के अंदर, इसी वजह से all chordates के लिए ये applicable character होगा, इसी वजह से question number 78 की बात करें तो इसका correct answer prefer करेंगे third वाला। fourth में दिया हुआ true for all chordates as they show this phenomenon throughout the life, throughout the life सभी के अंदर represent नहीं किया जाता chordate के अंदर, तो ये बात ठीक है नहीं है, लेकिन life की किसी ना किसी स्टेज की बात करें तो उस टाइम में जरूर प्रेजेंट होता है, इसी वजह से 78 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर प्रेफर करेंगे थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 के अंदर पूछा है पॉलिप प्रोड्यूस कर रहा है एसेक्सुअली किसको, मेडुसा को, और मेडुसा सेक्सुअली प्रोड्यूस कर रहा है पॉलिप को, द अबव लाइफ साइकिल इज सावन इन, ये लाइफ साइकिल किसके अंदर प्रेजेंट होगा, फाइसिलिया के अंदर नहीं, ऑरेलिया नहीं, ओबेलिया एंड हाइड्रा, हाइड्रा की बात करें तो एक्चुअल में ये अल्टरनेशन जनरेशन जो है हाइड्रा ऑरेलिया जो है इनके अंदर तो प्रेजेंट ही नहीं होती, इसी वजह से कॉमन सेंस की बात है किसके अंदर देखने को मिलेगा, ये ओबेलिया की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर प्रेफर करेंगे ओबेलिया वाला, तो 79 का आंसर होगा थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो 80 के अंदर पूछा है टेफ वर्म गेट न्यूट्रिशन इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ वर्टिब्रेट्स, डेफिनेटली पैरासाइट की फॉर्म में होता है, एंडो पैरासाइट होता है टेफ वर्म, और इसी वजह से वो अपने न्यूट्रिएंट्स बाय अब्सॉर्बिंग लिक्विड फॉर्म, लिक्विड थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, बाय सकर्स नहीं, सकर्स के थ्रू नहीं, सकर्स तो एडहेसिव स्ट्रक्चर होती है, और बोथ ऑफ दीज, दोनों के द्वारा नहीं, नन ऑफ दीज, तो क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें तो इसके अंदर फर्स्ट ऑप्शन सही दिया हुआ भाई, अब्सॉर्बिंग लिक्विड फ्रॉम लिक्विड फूड थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, क्योंकि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीटली एब्सेंट होता है किसके अंदर, एक्सेप्शनली टीनिया के अंदर, और इसी वजह से एक्चुअल में इससे ये न्यूट्रिएंट्स अपने जनरल बॉडी थ्री के बॉडी सरफेस के थ्रू ही क्या करता है, एब्सॉर्ब करता है, तो 80 का आंसर होगा फर्स्ट वाला। देन क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 के अंदर दिया हुआ है मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज, इकाइनोडर्म्स का मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर की बात करें तो गैस्ट्रोवैस्कुलर सिस्टम नहीं, ये तो सिलेंट्रेट्स का, कोइनोसाइट नहीं, ये पोरिफेरेंस के अंदर है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम या एम्बेलेक्रल सिस्टम, बिल्कुल सही बात है, इकाइनोडर्म्स का डिस्टिंक्टिव फीचर होता है कैनाल सिस्टम, ये पोरिफेरेंस के अंदर होता है, इसी वजह से 81 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला। देन 82 के अंदर मेस्दी कोलम का क्वेश्चन है, कोलम फर्स्ट को कोलम सेकंड के साथ मैच करना है, फाइसिलिया की बात करें तो इसको पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर बोलेंगे, मैच कर दो, एडम्सिया की बात करें तो ये सी एनिमोन है, मैच कर दो, पेनेटूला की बात करें तो ये सी पेन बोलेंगे इसको, और गॉर्गोनिया की बात करें तो गॉर्गोनिया सी फैन होता है, और मैंड्रीना की बात करें तो ये ब्रेन कूरल बोलेंगे, और ऑरेलिया की बात करें तो ये जेलीफिश। अब आपको मैच करना है एको फाइव के साथ, एको फाइव के साथ सभी में दिया हुआ है, बी
को मैच करना है फोर्थ के साथ, बी को मैच फोर्थ के साथ, तीन ऑप्शन में दिया हुआ है, सी को थर्ड के साथ, सी को थर्ड के साथ, ए के ऑप्शन में दिया हुआ है, और डी की बात करें तो इसको सेकंड के साथ, ई की बात करें तो इसको फर्स्ट के साथ, एंड एफ की बात करें तो इसको सिक्स के साथ दिया हुआ है। तो ऐसा मैचिंग केवल और केवल सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 82 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सेकंड वाला होगा। देन 83 क्वेश्चन की बात करें तो 83 के अंदर आपको देखना है Which of the following character is best suit for given figure? दिए गए डायग्राम की बात करें तो एनसीईआरटी का डायग्राम है, यूरो कॉर्डेट्स की बात करें तो उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको देखनी है, नॉटोकॉर्ड पर्सिस थ्रू आउट द लाइफ इंफॉर्मेशन ठीक है, नहीं है केवल लार्वा स्टेज में नॉटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। सर्कुलेशन की बात करें तो ओपन टाइप, बिल्कुल प्रोटोकॉर्डेट्स और यूरो कॉर्डेट्स की बात करें तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन इस एनिमल में हो सकता है, बिलोंग टू सेफेलोकॉर्डेटा नहीं है, यूरो कॉर्डेट है, सर्कुलेशन इज ग्लॉस टाइप ये भी ठीक नहीं है, इनमें ओपन सर्कुलेशन होता है इसी वजह से। 83 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो इसके अंदर आपको देखना है सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच सॉ बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इंट्रा एंड एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो डेफिनेटली प्लेटी हेलमिंथिस से लेके और कोर्डेटा तक के अंदर तो किसमें होता है, कैसा डाइजेशन होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर होता ही होता है। उसके साथ साथ ही उससे पहले अगर बात करें जैसे सिलेंट्रेट्स की और साथ ही सिलेंट्रेट्स के साथ साथ टीनोफोर्स की, तो उनके अंदर डाइजेशन कैसा होता है, एक्स्ट्रा भी होता है तो इंट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होगा, तो ऐसा ऑप्शन आप तलाशेंगे। तो जैसे फाइसेलिया की बात करें तो फाइसेलिया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर, डेफिनेटली ये क्या है, सिलेंट्रेट्स है। प्लूरोब्रेकिया की बात करें तो प्लूरोब्रेकिया क्या है, टीनोफोरा का मेंबर है। ऐसे टीनिया की बात करें इसमें केवल एक्स्ट्रा सेलुलर होता है। क्यूलेक्स की बात करें तो यूर्थ्रोपोड्स है, इसमें भी एक्स्ट्रा सेलुलर होगा ओनली। एपिस की बात करें तो इसमें भी ओनली एक्स्ट्रा। नेरिस की बात करें तो एक्स्ट्रा। इकाइनस की बात करें तो इसमें भी एक्स्ट्रा। साल्पा की बात करें तो ये भी यूरोकॉर्डेट्स, इसमें भी एक्स्ट्रा। मेंड्रीना की बात करें तो मेंड्रीना जो है वो सिलेंट्रेट्स है, इसमें भी दोनों होगा। पेनेटुला की बात करें तो इसके अंदर भी दोनों होता है। डोलियोलम की बात करें तो ये यूरोकॉर्डेट्स, इसमें भी एक्स्ट्रा होता है। कटला की बात करें नहीं, हाइला की बात करें नहीं। एडम्सिया की बात करें तो एडम्सिया सिलेंट्रेट्स है, इसमें भी दोनों होगा। गॉर्गोनिया की बात करें तो गॉर्गोनिया जो है इसके अंदर भी कैसा होगा, एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन होता है। और साथ ही अगर बात करें टीनोप्लाना की बात करें तो उसके अंदर भी डाइजेशन कैसा होगा, डाइजेशन उसमें भी एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर दोनों टाइप का डाइजेशन होगा। तो यहां पे आपको तलाशना है सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम फॉलोइंग व्हिच शो वन बोथ इंट्रा एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर डाइजेशन से रिलेटेड आप ऑप्शन तलाशोगे तो यहां पे डेफिनेटली आपको कितने एनिमल्स देखने को मिलेंगे, एक फाइसेलिया प्लूरोब्रेकिया हो गया, टीनिया की बात करें ये भी नहीं होगा, क्यूलेक्स की बात करें तो क्यूलेक्स के अंदर भी नहीं होगा, एपिस की बात करें तो इसके अंदर भी नहीं, नेरिस सैंडवॉर्म इसमें भी नहीं होगा, इकाइनस में भी नहीं होगा, साल्फा की बात करें तो इसके अंदर भी नहीं होगा, मेंड्रीना पेनेटुला इनमें होता है, डोलियोलम की बात करें तो डोलियोलम जो है इसके अंदर भी नहीं होगा, और साथ ही कटला की बात करें तो इसमें भी नहीं, हाइला की बात करें एम्फीबियंस है इसके अंदर भी नहीं होगा, एडम्सिया गॉर्गोनिया और टीनोप्लाना इनके अंदर होता है, और साथ ही फाइसेलिया की बात करें और प्लूरोब्रेकिया। तो इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन तलाश कौन सा तलाश होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 7 से रिलेटेड कौन सा आंसर आ जाएगा इसके अंदर, थर्ड वाला। तो क्वेश्चन नंबर 84 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर होगा थर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 आपको तलाशना है जिसके अंदर बर्ड से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देखनी है, बर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको तलाशनी है, जिसमें पहला दिया हुआ फोरलिम्स आर मॉडिफाइड इनटू, फोरलिम्स किसके अंदर, बर्ड्स के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं, विंग्स के अंदर। जॉ मॉडिफाइड इनटू बीक, चॉंच के अंदर मॉडिफाई हो जाते हैं। बॉन्स की बात करें तो इनके अंदर न्यूमेटिक बॉन्स होती हैं। हार्ट की बात करें तो हार्ट कितने चैंबर वाला होता है, 4 chambered हार्ट होता है, ऐसा ऑप्शन आप तलाशोगे तो 85 के अंदर आपको मिलेगा। ए की बात करें तो विंग्स, ऐसे आपको ऑप्शन के अंदर दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ के अंदर दिया हुआ है। बी की बात करें तो बी के अंदर बीक, बी के अंदर बीक,
में दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ दोनों के अंदर दिया हुआ है। सी की बात करें तो बॉन्ड्स की बात करें तो बॉन्ड्स कैसी होती हैं, न्यूमेटिक, न्यूमेटिक बॉन्ड्स की बात करें तो इससे रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है सी के अंदर। और हार्ट की बात करें तो फोर चैम्बर, इसी वजह से 85 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर कौन सा होगा, सेकेंड वाला, जिसके अंदर विंग्स जो है मॉडिफाई हो जाते हैं, बीक भी प्रेजेंट होती है और बीक के साथ न्यूमेटिक बॉन्ड्स होती है और फोर चैम्बर्ड हार्ट आपको देखने को मिलेगा। इसी जैसे क्वेश्चन नंबर 85 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेकंड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा है पॉइंट आउट द मैमेलियन करैक्टर, मैमेलियन करैक्टर जो है उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। डायफ्राम बिल्कुल मैमेलियन करैक्टर होता है, विदाउट एनी एक्सेप्शन मैमल्स के अंदर सभी में प्रेजेंट होगा। फोर चैम्बर्ड हार्ट भी होता है एंड लंग्स, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर सभी मैमेलियन करैक्टर को रिप्रेजेंट किया। लेकिन उससे आगे हेयरी स्किन, विविपेरिटी एंड फीदर्स, नहीं ये ठीक नहीं है। फेंस की बात करें ये भी ठीक नहीं है, गिल्स विविपेरिटी एंड न्यूरल ग्लैंड से गिल्स, नहीं ये भी ठीक है नहीं है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 86 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट वाला। Then question number 87, match the coulomb first with coulomb second and select the correct option। Hirudin की बात करें definitely Hirudin area से related है और Hirudin area का मतलब actual में Annelida phylum जो है उसके members जिनके अंदर ये anticoagulant की तरह act करता है, तो definitely leech जो होती है blood sucking leech जो होती है उनके अंदर Hirudin present होगा, match कर दीजिए। Canal system की बात करें तो sponge का characteristic feature होता है। Nidoblast की बात करें तो cylindrids like hydra में present होगा। फीडर स्टार की बात करें तो इकाइनोडर्म्स के मेंबर होंगे और इंसेक्ट की बात करें तो लाइक टर्बाइट्स जो होते हैं दीमक, उससे मैच कर दीजिए। 87 की अब इसको मैचिंग को आप तलाशोगे जिसमें ए को आपको मैच करना है थर्ड के साथ, ए की मैचिंग केवल थर्ड ऑप्शन में दी हुई है। बी की बात करें तो फोर, बी को फोर के साथ, सी को वन के साथ एंड डी की बात करें तो उसको सेकंड के साथ एंड ई को फाइव के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू आपको देखना है, यानी कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है उसको देखना है। ऑल मेंबर्स ऑफ द किंगडम एनिमेलिया आर मल्टीसेलुलर, बिल्कुल सही बात है, किंगडम एनिमेलिया के सभी मेंबर्स कैसे होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, ये तो ठीक है। नेचर ऑफ सिलोम इज यूज्ड एज वन ऑफ द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। देयर इज नो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन नाउ एज ओवर मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ एनिमल have been described till now, ये बात ठीक है नहीं है और incorrect पूछा है question ने, not correct पूछा है। Classification की जरूरत हो गई क्योंकि millions of species अभी तक described की जा चुकी हैं and many more species still undiscovered हैं या undescribed हैं, इसी वजह से classification जो उसकी जरूरत है। लेकिन यहां बोला है no need, इसका मतलब third statement जो वही incorrect है। Fourth में दिया हुआ है the arrangement of cells into the body is one of the classifying feature of the animals, ये बात सही है। तो 88 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड वाला। देन क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 के अंदर मैच द आइटम लेबल ए बी सी एंड डी इन द गिवन डायग्राम विद द गिवन करैक्टर्स एंड चूज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर अपने को तलाशना है। ए यहां पे डायग्राम की बात करें तो कॉर्डेट ज़ोस के एम्ब्रियोनिक स्टेज का डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। ए की बात करें तो डेफिनेटली ए क्या है, पोस्ट एनल पार्ट होगा। बी की बात करें तो ये पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स लेट्स होंगी। सी की बात करें तो सॉलिड स्ट्रक्चर जो दे रखी है ये निश्चित रूप से क्या होगी, नोटोकॉर्ड होगी। और डी की बात करें तो डी हुलू स्ट्रक्चर आपको कैविटी दिख रही है तो ये डेफिनेटली नार्व कॉर्ड होगी। अब यहां आपको ऑप्शन को मैच करना है तो डेफिनेटली ए की बात करें तो ए जो है वो तो क्या होगा, पोस्ट एनल पार्ट, ए पोस्ट एनल पार्ट। तो ए को तो आपको मैच करना है किसके साथ, सेकंड के साथ। ए को मैच करो सेकंड के साथ, ए की मैचिंग सेकंड के साथ, ए की ऑप्शन में दे रखी है। बी की बात करें तो बी को आपको मैच करना है पेयर्ड फेरेंजियल गिल्स लिट्स, गिल्स लिट्स की बात करें तो ये लो फोर के साथ मैच कर दो, फोर के साथ मैचिंग। सी की बात करें तो सी नॉट अकॉर्ड, सी नॉट अकॉर्ड, ये लो थर्ड के साथ मैचिंग। और साथ ही डी की बात करें तो डी जो है वो क्या है, नर्व कॉर्ड है और वन के साथ इसकी मैचिंग दे रखी है। इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 89 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट वाला।
देन क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो इसमें आपको पूछा है सेलेक्ट द टोटल नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. यहां पे पहला स्टेटमेंट दिया है सिलेंट्रेट्स हैव टेंटिकल एंड बी आर नीडोब्लास्ट, बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है. टीनोफोर्स आर मैराइन एनिमल्स विथ कॉम्प्लेट्स, बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन है. एनिमल एनेलिड्स आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स विथ ट्रूसिलोम, बिल्कुल ट्रूसिलोम प्रेजेंट होती है और मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल होते हैं एनेलिड्स, ये इंफॉर्मेशन भी ठीक है. द इकाइनोडर्म्स पजेस मेसोडर्मल स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ कैल्केरिया से प्लेट्स और ओसिकल्स, बिल्कुल सही बात है. इकाइनोडर्म्स की बात करें तो कैल्केरियस ऑसिकल्स और मेसोडर्मली डिराइव्ड इनके अंदर एंडोस्केलेटन भी प्रेजेंट होता है. आगे दिया हुआ है हेमीकोल्टिड्स आर स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मैराइन एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय सिलेंड्रिकल बॉडी विद प्रोबोसिस एंटीरियर प्रोबोसिस कॉलर एंड साथ ही ट्रंक पार्ट में इनकी बॉडी डिवाइडेड होती है, ये इंफॉर्मेशन भी ठीक है. यानी कि सभी स्टेटमेंट ठीक है और सभी से रिलेटेड ऑप्शन दिया हुआ है फोर्थ. इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 90 की बात करें तो 90 का करेक्ट आंसर होगा फोर्थ वाला. इसी के साथ अपना बायोलॉजी का जो पेपर था उसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है. आई होप सभी का पेपर बहुत अच्छे से गया होगा. तो बने रहिए इस मिड सेशन टेस्ट सीरीज के साथ, अगले फिर किसी पेपर के सॉल्यूशन के साथ से मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक्स, ऑल द बेस्ट.